हम बात करेंगे बोन फिडा के फिडा कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स, एंट्री पॉइंट्स और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 0.17 पर ट्रेड कर रहा, कल इसने 0.192 वाला लेवल हिट किया और प्रीवियसली हमने जो वीडियो शेयर किए थे जिसमें हमने एंट्री पॉइंट्स अपडेटेड लेवल शेयर किए थे, वहाँ पर अगर आपने बाई किया होगा तो वापस से आपने इस कॉइन के अंदर 4 दिन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। आपके दोनों टारगेट इस कॉइन ने हिट किए हैं, उसके बाद से थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी इस कॉइन के नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, आने वाले दिनों में नेक्स्ट टारगेट्स क्या रहेंगे, अगर इस कॉइन की प्राइस में आप एंट्री देख रहे हैं, प्रीवियसली एंट्री मिस की है तो किस लेवल पर आपको एंट्री लेनी है, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज सॉल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 0.172 पर अभी एक कॉइन ट्रेड कर रहा, 0.924 वाला लेवल कॉइन ने कल ट्राई किया था। पिछले महीने में यानी सितंबर मंथ के स्टार्टिंग से लेके 10th ऑफ सितंबर से लेके अभी तक हमने इस कॉइन में 3 बार प्रॉफिट जनरेट किया है, अच्छा खासा 20-25% का प्रॉफिट जनरेट किया। इसकी फ्लक्चुएशन को हर बार हमने ग्रेप किया है और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने दिलवाया है। और भी दूसरे कॉइन्स के अंदर भी हम रेगुलर आपको प्रॉफिट जनरेट करवा रहे हैं। एक्रो कॉइन में हमने अभी प्रॉफिट बुक किया है, AGLD कॉइन में हमने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद करेक्शन देखने को मिला, ऐसे WLD कॉइन में हमने प्रॉफिट बुक किया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के कॉइन हैं जिनके हमने एंट्री पॉइंट्स अभी रिसेंटली शेयर किए थे और अच्छा प्रॉफिट आपने जनरेट किया। और रेगुलर हम यही चीज़ें आपको शेयर करते हैं, बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप उनका ध्यान रखते हैं तो आपको मार्केट में कभी लॉस नहीं होगा, साथ ही साथ में आपकी कैपिटल बची रहेगी, अपनी कैपिटल को आप इंक्रीज करते जाएंगे। जो हम हर बार आपको बताते हैं, ध्यान रखना है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सीफाई रखना है, अलग अलग कैटेगरी के 4 से 5 कॉइन में आपका टोटल जो कैपिटल है वो लगी होनी चाहिए, यानी एक ही कॉइन में पूरी की पूरी कैपिटल नहीं लगानी है, ताकि आप एक ही कॉइन में उलझे ना रहे, अलग अलग कॉइन्स में डे बाय डे। जैसे अभी अगर देखें तो सारे कॉइन्स नीचे जा रहे हैं, बोनफिडा कॉइन ऊपर जा रहा है, तो आपके पोर्टफोलियो में अगर फिडा कॉइन होता तो आपको प्रॉफिट बुक हो जाता, दूसरे कॉइन में हम एंट्री ले लेते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर बात करें 10th ऑफ सितंबर की, यहाँ पर हमने इस कॉइन में 0.145 पर एंट्री शेयर की थी। अगर आप देखें तो प्राइस जो है वो यहाँ पर 6 सितंबर को 1376 अराउंड ट्रेड कर रहा था, मूव हुआ फिर प्राइस वापस ड्रॉप हुई और यहाँ पर हमें 12th को ये कॉइन 0.14 पर मिल गया। हमने वहाँ पर एंट्री ली, टारगेट बताए थे 1718, उसके 4 दिन बाद इस कॉइन में ब्रेकआउट हुआ 19 तक का और हमने इस कॉइन में प्रॉफिट बुक किया। सेकंड फिर ड्रॉप देखने को मिला, हमने वहाँ पर शेयर भी किया था कि अगर ड्रॉप होता है, प्राइस में करेक्शन होता है और अगर आप एंट्री देख रहे हैं तो अच्छा करेक्शन होगा। ये जो लेवल है यहाँ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से करेक्शन होगा, अगर आपने एंट्री मिस की है तो आप वापस इस कॉइन में एक अच्छे खासे लेवल पर आपको एंट्री मिल जाएगी और वो लेवल था 0.145 का अगेन वापस से। और 18 को हमने ये वीडियो शेयर किया था और 18 के बाद अगर देखें आप तो ये 22 है और ये 14 है, ये ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद प्राइस जो है वो 149 के बाद यहाँ आ गई थी 1457 के राउंड में और हमने इस कॉइन में 0.145 के राउंड में आपको एंट्री शेयर की थी। वहाँ से 1718 टारगेट बताए थे जिसको इस कॉइन ने अभी वापस हिट किया है। उसके बाद यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंट हुआ था जहाँ पर इस कॉइन ने फर्स्ट जो लेवल है उसको 17 वाले लेवल को हिट किया था, जो हमने फर्स्ट टारगेट बताया था 29 को। हमने वापस वीडियो आपको शेयर किया था 4 दिन पहले जिसमें हमने आपको बताया था कि 0.1 यहाँ ये मूवमेंट हुआ है, इसके बाद करेक्शन होगा और प्राइस अगर 0.155 तक आती है तो उस लेवल पर आपकी एक एंट्री बन जाएगी। जिन्होंने फाइनली अगर अभी भी एंट्री देख रहे हैं मिस कर दी है तो ये अब इसके अलावा आपको एंट्री मिलने वाली नहीं है। अगर आप देखें 30 को
यानी 30 सितंबर को स्क्वायन ने ड्रॉप लिया, ये 29 है और ये जो कैंडल है ये 30 की है। नाइट के टाइम में हमने 29 को वीडियो शेयर किया था, चैनल पर वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। 1512 वाला लेवल हिट किया, वहाँ पर हमने टारगेट 0.1819 बताए थे और इसने यहाँ हिट किया आज स्क्वायन ने। कल स्क्वायन ने 0.192 को हिट किया है। 1819 हमारे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के टारगेट है, 21 शॉर्ट टर्म का है जिसको अभी आने वाले दिनों में ट्राई कर लेगा। शॉर्ट टर्म में आपको मिनिमम 1 मंथ होल्ड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तभी आपको शॉर्ट टर्म में होल्डिंग रखनी, नहीं तो जो पहले वाले लेवल से ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वाले वहां सेल कर देना है। आपने प्रॉफिट बुक किया होगा, आई होप आपने वीडियोस हमारे रेगुलर आप वॉच कर रहे हैं, प्रॉपर टारगेट पर आप एग्जिट हुए होंगे। नहीं हुए हैं, अगर अभी नहीं हुए हैं तो अभी आपको 0.185 जिन्होंने हमारे जो लेवल हमने शेयर किए थे 155 या 15 के राउंड में बाइंग है आपकी, तो आपको 0.185 और 0.195 पर 60-40 के रेशो में एग्जिट हो जाना है। इन लेवल्स पर वापस अभी प्राइस जाएगी और आपको एग्जिट हो जाना है। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो 21 पर एग्जिट होंगे 100% पार्ट से। अब यहाँ पर जिन्होंने बाय नहीं किया है, जिन्होंने एंट्री नहीं ली है, उनको किस लेवल पर एंट्री लेनी है? देखिए जल्दीबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर इस कॉइन में एंट्री नहीं भी मिलती है जो लेवल हम आपको भी बताएंगे, तो भी कोई कंपलसरी नहीं कि आप इस कॉइन को ही बाय करें। दूसरे कॉइन्स की अभी एंट्री हम वापस शेयर करेंगे, आज कुछ कॉइन में और अपॉर्चुनिटी है तो उनमें आप एंट्री ले सकते हैं और वो भी अच्छे खासे कॉइन्स है, ये भी एक अच्छा खासा कॉइन है, अच्छी फ्लक्चुएशन होती है इसमें, हम ग्रेप कर रहे हैं इसको। अगर प्राइस वापस ड्रॉप होती है और प्राइस 0.155 पर आती है तो ही आपको एंट्री लेनी है। 17 पर ट्रेड कर रहा, 155 से पहले आपकी एंट्री सेफ नहीं है। फर्स्ट एंट्री आपकी रहेगी 80% पार्ट से 155 पर, और ड्रॉप होता है तो 15 पर आपकी सेकेंड एंट्री हो जाएगी। इस टाइप से 80-20 के रेशो में एंट्री लेनी है। मूव करेगा 18 फर्स्ट टारगेट, 19 सेकंड टारगेट और 21 वाला एज इट इज, ये टारगेट आपके रहेंगे। इन लेवल पर आपको सेल लिमिट लगा देनी जब आप बाय कर लेते। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा किन लेवल पर आपको एग्जिट होना है, जिन्होंने पहले से बाय किया हुआ है, किन लेवल पर बाय करना है जब प्राइस नीचे जाती है, जिन्होंने एंट्री मिस की है उनको किन लेवल पर बाय करना है, और जिन्होंने ऊपर के लेवल पर बाय करके रखा है पहले से इन लेवल्स पर 21, 25, 28 या 20, तो जो भी आपकी बाइंग प्राइस है वहाँ पर आपको सेल लिमिट लगा के रखनी है ताकि आपका अमाउंट रिकवर हो और आप अपनी कैपिटल को एग्जिट कर लें, फिर वापस से ट्रेड करने के लिए आपकी कैपिटल आपके पास आ जाए। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सप्रेस नहीं है और जिस टाइप की गलतियाँ करते हैं, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहां पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहां पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।